हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है अरबी के पत्तों के पकोड़े। पकोड़े इतने टेस्टी बनते हैं, अरबी के पत्तों के बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कभी ट्राई ज़रूर करिएगा और इस व्लॉग को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हर क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स थे इसके। तो चलिए आज शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट अरबी के पत्तों के पकौड़े। तो सबसे पहले अरबी के पत्तों को बहुत अच्छे से धोकर उन्हें बारीक बारीक सा काट लेना है। बारीक बारीक काटने के बाद इसमें हमें करीब डालना है आधा किलो बेसन। बेसन आप डालिए धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। पहले आप थोड़े बेसन को मिलाइएगा, फिर उसमें बाद में यू जितना लगे कि और डालना चाहिए तो तब डालिएगा। फिर उसके बाद इसमें डल जाती है 2.5 चम्मच नमक। छोटी चम्मच थी इसलिए 2.5 चम्मच, बाकी आपको अपने स्वादानुसार ही नमक डालनी है। फिर इसमें हमने डाला था धनिया, यह है सूखा पिसा हुआ धनिया, करीब 1.5 चम्मच के करीब आपको इसमें धनिया डालना है। और इसके बाद डाला था इसमें हींग। हींग बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। हींग को आप बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा डालने के लिए। हींग बहुत अच्छी मात्रा में आपको डालना है क्योंकि ये पेट को डाइजेशन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद ये जो डाल रहे हैं हरी मिर्च और लहसुन को ये चॉप किया हुआ था तब इसको हमने डाला था। आपको चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, चाहे आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। और आपको इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाना है, बहुत थोड़ा पानी मिलाना है क्योंकि पत्ते ऑलरेडी ही पानी छोड़ते हैं। तो आपको बहुत धीरे धीरे ही पानी डालना है, जितनी नीड हो। आप देखिए आपको सूखा सूखा ही लग रहा होगा, जब आप इसको मलेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से मला जाएगा। और आपको आपको ऐसे ही धीरे धीरे मलना है ये। और ये इस तरीके से मल जाता है जैसे आटा होता है, इस तरीके से ये पूरा बेसन आपको लपेट देना है पत्तों में, ताकि आप मसाले जो भी आपने आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब मैं अच्छे से इसमें मिल जाएं। और जहां आपको लगे कि यहाँ पानी की नीड है तो आप उसमें पानी थोड़ा ही डालिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं पानी डालने की। और यहाँ देखिए ये बहुत नीचे अभी बेसन रह चुका है तो मम्मी इसको बहुत अच्छे से मल रही हैं। और बाद में जितना बेसन देखिए हमें लगा कि कम लग रहा है बेसन, तो हमने बाकी जितना बेसन था वो सब डाल दिया। लगभग आधा किलो बेसन 2 किलो पत्तों में पूरा लग गया था और बहुत अच्छे बने थे पतोड़े। आप ज़रूर बनाइएगा इन पकोड़ों को, बहुत टेस्टी बनते हैं। और चटपटे करके बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यहाँ देखिए बहुत इसमें बिल्कुल भी इसके बाद एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। इसके बाद क्या करा था, गिलास लिए थे, गिलासों में हमने तेल कर लिया था, तेल चारों तरफ अच्छे से लगा लिया था। आप चाहें तो इसको हाथों से बहुत अच्छे से लगा भी सकते हैं, या आप इसको तेल का गिलास भर के एक के बाद एक दूसरे गिलास में पलटते चाहिए और बहुत ही मतलब अच्छे से ये लिपटने चाहिए। तेल पूरे ही ग्लासों में लग जाना चाहिए ताकि आगे को ना ये निकालने में ना बहुत परेशानी ना पड़े। जितना तेल आपको बैठ जाता है नीचे आप सारा का सारा आप पलट दीजिए डिब्बे में। तेल अच्छे से गिलासों में लगना चाहिए, ज़्यादा तेल नहीं कि आपकी खूब सारा तेल लगा दे उसमें तेल छोड़ दे। देखिए मैंने पहले गिलासों में से तेल पलटा, गिलासों में तेल पलटा था, फिर मैंने पूरा का पूरा निचोड़ दिया था डिब्बे में। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए जितना गिलास में आया ना मैंने सब का सब फिर इसमें पलट दिया था ताकि बस गिलासों में अच्छे से ये चिपक जाए। फिर इन गिलासों में भर दिया था जितने भी ये पत्ते थे, इनका जो पेस्ट था ये सब इसमें हमने अच्छे से भर दिया था। देखिए बहुत अच्छे से ऊपर तक भर देना है, ये फूल का बहुत ऊपर तक भी आ जाएंगे। फिर हमने कुकर में लिया था 2 गिलास पानी, करीब 1.5 गिलास भी ले सकते हैं या 2 गिलास ले लीजिए, कम नहीं होना चाहिए पानी। आप करीब इसमें 5 गिलास मेरे कुकर में आ गए थे, इसमें बड़ा कुकर हो तो ज़्यादा गिलास भी आ सकते हैं। और पेस्ट बच जाए तो आप कटोरी
कटोरियों में भी इसी तरीके से रख भी सकते हैं। तो अब यहाँ आपको बस आपको यहाँ पे ढक्कन लगा के रख देना है कुकर। 9 से 10 सीटियों में ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। एक पहचान है, आप इसको एक टूथपिक से या चाकू से आप देख सकते हैं इसको कि ये पके हैं या नहीं पके हैं। ये देखिए पूरे ऊपर तक भी आ गए हैं उबल के, जब इनको बॉयल किया था। यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको चाकू से, जब मैंने इसको देख लिखा था ना, देखिए बिल्कुल साफ चाकू निकला था। अगर ये कच्चा रहता ना तो चाकू पे पूरा का पूरा ना ऐसे ही लगा हुआ हरा हरा आ जाता। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाकू से ना चारों तरफ किनारे किनारे चाकू से आपको खोखला करना है। और बहुत आसानी से, ये देखिए तेल लगाया था तो बहुत आसानी से निकल चुके, और जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ ना इस तरीके से बहुत आराम से ये निकल जाएंगे। और जो बाकी बचा हुआ रहता है आप उसे भी खुरच लीजिए। इतनी आसानी से निकल जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। फिर आप इनको चाकुओं से ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीस बना सकते हैं, गोल गोल पीस बना सकते हैं। जैसे आपको शेप देनी है आप इनको बीच में से काट लीजिए छोटे छोटे पीस बना के। फिर आपको क्या करना है, बहुत ही कम तेल लेना है, बहुत ही हल्का आपको इसे बेक करने हैं। ये आपको तलना नहीं है, डीप फ्राई नहीं करने, आप इसमें बस थोड़े से तेल में आप इनको डाल दीजिए और बहुत अच्छे से भून लीजिए। आप चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इनको इस तरीके से भी तल सकते हैं, ज़्यादा तेल में पकौड़ों की तरह भी तल सकते हैं, और बहुत हल्के कम तेल में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इनको निकाल लीजिए। और वरना तो ये खाने में बिना फ्राई करे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, चाय से तो और सॉस से, चटनी से तो आप खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यहाँ देखिए ये हो चुके हैं मेरे फ्राई, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इसी के साथ करते हैं आज मैं अपने व्लॉग का एंड। आपको ये आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, कैसी लगी आपको मेरी ये अरबी के पत्तों की पकोड़ों की रेसिपी, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ लेती मैं विदा, बाय।